हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लाने वाली हूँ। आपने देखा होगा इन दिनों काफ़ी सारे लोगों में ओपन पोर्स का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ये इसलिए होता है कि अगर आपके स्किन में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा हो या फिर आपके स्किन की इलास्टिसिटी या फिर कोलेजन का लेवल जो है वो अगर कम हो रहा हो तो इसकी वजह से आपके जो पोर्स हैं वो विजिबल होने लगते हैं। तो इनको क्लोज करने के काफ़ी सारे रेमेडीज़ हैं जिनमें मैं आपके लिए एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप कंटिन्यूसली 7 डेज तक अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो आप काफ़ी हद तक डिफरेंस देख सकते हैं। बस आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगर आप रेगुलरली इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको विजिबल डिफरेंस जो है वो दिखाई देगा। बिना देरी के चले देख लेते हैं रेमेडी को। और हर रेमेडी को देखने से पहले चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। इसको बनाने के लिए छोटे से मिक्सिंग बाउल को लेकर मैंने इसमें डाले हैं 1 बड़े चम्मच गेहूँ के आटे को। गेहूँ के आटे का इस्तेमाल हमने किस वजह से किया है वो मैं आपको समझा दूँगी आगे जाके। और इसी में हमें डालना होगा दूध को। यहाँ पर मैं कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा दूध ना हो तो आप इसकी जगह पर उबले और ठंडे किए हुए दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें इन दोनों का पेस्ट बनाना होगा। जो मैंने आपसे कहा था कि हम 2 स्टेप्स में इस प्रोसेस को करने वाले हैं, तो ये हमारा पहला स्टेप है जिसमें हम लोग अपने फेस को स्क्रब करने वाले हैं। यहाँ पर जो गेहूँ के आटे का मैंने इस्तेमाल किया है वो इस वजह से है क्योंकि गेहूं के आटे में काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक, सेलेनियम, मैंगनीज और भी काफ़ी सारे, जो कि आपके स्किन पर मौजूद टॉक्सिन्स और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में मददगार होगा। और साथ ही हमने दूध का भी इस्तेमाल किया है। दूध में आपको पता ही है कि लैक्टिक एसिड होता है, जो आपके स्किन को काफ़ी हद तक क्लीन करने में और आपके स्किन पर मौजूद ऑयल को और डर्ट को रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो माइक्रोब्स की वजह से आता है ना, उसको भी ये काफ़ी हद तक रिमूव कर देता है। तो इन दोनों का पेस्ट बना लेने के बाद आपके फेस को अच्छे से वॉश करके उस वॉश किए हुए फेस पर इसको लगा लीजिए। और लगाने के बाद बस 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए फेस को। बस ये जब थोड़ा सा सूख जाए ना, ज़्यादा देर आपने फेस पर इसको रखना नहीं है, बस थोड़ा सा सूख जाने के बाद आप क्या कीजिए, एक टमाटर को ले लीजिए और टमाटर को आधे में कट कर लीजिए। इस तरह से कट कर लेने के बाद आपको इसको वॉश जो है वो इसी टमाटर से करना होगा, जैसे कि आप अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में इस टमाटर के साथ मसाज करते जाइए, जिसकी वजह से आपका स्किन का ग्लो जो है वो काफ़ी हद तक एक तरह का मसाज भी हो जाएगा आपके स्किन के लिए। इस तरह से मसाज करते हुए सारे जो भी गेहूँ के आटे को हमने लगाया था उसको इस तरह से रिमूव कर लीजिए। और इसको कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए हमें फेस को वॉश तो करना पड़ेगा ही। इस तरह से टमाटर के साथ इसको स्क्रब कर लेने के बाद नॉर्मल पानी के साथ आप इसको वॉश कर लीजिए और थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए फेस को। और उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप जो है, मतलब फेस पैक जो है, उसको बनाना होगा। तो यहाँ पर फेस पैक बनाने के लिए मैंने पहला इंग्रेडिएंट जो है वो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया है और दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है बेसन ग्राम फ्लोर। तो इन दोनों को इक्वल क्वांटिटीज़ में डाल लीजिए। तो 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी को मैंने एक छोटे से मिक्सिंग बाउल में डाल लिया है। और उसके बाद हमें इसमें डालना होगा एलोवेरा जेल को। जितना हो सके उतना नेचुरल एलोवेरा जेल को लेने ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर 1 चम्मच जितने एलोवेरा जेल को भी मैंने डाल लिया है। और उसके बाद इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बनाने के लिए हमें रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर जितना आपको इसका थिक पेस्ट बनाने के लिए जितने आपको रोज़ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी उतने रोज़ वाटर जो है वो डालकर इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लीजिए। इसमें हमने मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया है। इस मुल्तानी मिट्टी के इस्तेमाल से ना आपके पोर्स में जो एक्स्ट्रा सीबम होता है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाता है और आप के पोर्स को श्रिंक करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही हमने बेसन का इस्तेमाल किया है, उसका तो आपको पता ही है कि ये आपके स्किन को डीपली क्लेंस करके आपके स्किन पर नेचुरल ग्लो लाएगा। और साथ ही इसमें हमने रोज एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है, जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और फाइनल इंग्रेडिएंट हमने रोज़ वाटर इस्तेमाल किया है, जो आपके फेस पर अगर रेडनेस हो और पिंपल्स के वजह से या फिर एक्ने के वजह से स्वेलिंग आ चुकी है तो वो आपको कूल डाउन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इन सारे चीज़ों का एक बढ़िया सा पेस्ट बना लीजिए और आपके फेस पर अप्लाई कर लीजिए। और इसको 20 मिनट्स तक ऐसे ही रख लीजिए अपने फेस पर और उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ आप इसको वॉश कर लीजिए। और इन दोनों स्टेप्स को कम्प्लीट करने के बाद अगर हो सके तो बस एक आइस क्यूब को लेकर अपने पूरे फेस पर अच्छे से मसाज कर लीजिए,
जिससे आपको और भी ज़्यादा रिजल्ट्स आपके जल्द दिखाई देंगे। तो आपको ये जो प्रोसेस है वो हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार करना होगा, जिससे आपको बस 1 वीक में ही आपको डिफरेंस जो है वो दिखाई देगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के साथ। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।